पाली कुकबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंघाड़े के आटे के पकोड़े बनाएंगे। तो सिंघाड़े के आटे के पकोड़े बनाने के लिए हमने ये दो आलू लिए हैं और ये हमने सिंघाड़े का आटा लिया है। ये सिंघाड़े के आटे के पकोड़े जो बना रहे हैं तो ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। ये व्रत में भी बनाए जाते हैं। ने आलू को मैंने थोड़ा गोल इस तरह से काट लिया है। अब ये आटा इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। आलू के अंदर आटा मिक्स कर दिया है। अब इसके साथ ही हम लाल मिर्च डालते हैं। ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और अब हम सेंधा नमक डालते हैं। तो सेंधा नमक मैं इसलिए डालूंगी क्योंकि मैं ये व्रत के लिए बना रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। मिक्स कर लेते हैं। अब पानी डाल के इसका अच्छे से बैटर बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखिए बैटर तैयार हो गया है। अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें मैंने ज़्यादा मसाले इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। तो व्रत के लिए कुछ लोग ज़्यादा मसाले खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें सेंधा नमक और लाल मिर्ची डाली है, वो भी घर की कुटी हुई। और इनको मैं घी में बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया था, घी हो गया है। ये हमें इस तरह से उठाना है। हमें सभी इसी तरह से बनाने हैं। अब इनको पलटी लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बदल दिए हैं, ये हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए, सिंगाड़े के आटे के सभी पकोड़े बन गए हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी बने हैं। इन्हें आप अपने घर पर व्रत में ज़रूर बनाइएगा।